नमस्कार जी, सभी को मेरी राम राम जी। स्वागत है जी आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज हम जा रहे हैं बाहर कहीं, तो रिश्तेदारी में जा रहे हैं। आप लोगों को भी ले चलते हैं, आप लोगों को भी घुमाते हैं। मैं भी नहीं गई हूँ कभी, पहली बार ही जा रही हूँ, तो आज नई जगह दिखाते हैं आपको। मैं यहाँ पे तैयार हो चुकी हूँ, दीदी आएंगे अभी, तो उन्हीं का इंतजार हो रहा है। और पापा जी जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं। आप देखो, मैं कोई दूर स्टूडियो पर ठीक है, ठीक है, मुझे लग रहा ठीक है, ठीक लग रहा है। चलो ठीक है, शादी हाँ ठीक लगे, वो जा ठीक लगते पर दो दो ये दो दो ये, हाँ जो आप कहते हुए ये हाँ हाँ टूट गई। मैं टूटने दे, क्या टूट गई, क्या करें मैं बताओ। दूसरी बार बना दी, मर गई थी, मर गई थी, मर गई थी। नमस्कार जी, सभी को मेरी राम राम जी। तो कैसे हैं आप सब? तो आज हम जा रहे हैं रिश्तेदारी में कहीं, पहली बार ही जा रहे हैं, आप लोगों को भी ले चलते हैं। सिर धोया है, अभी गीला ही है क्योंकि जाना नहीं था, अचानक से ही बस प्रोग्राम बना जाने का, तो कंघी आगे जाकर ही करूँगी, ऐसे ही गीला ही लेकर जा रही हूँ। चलिए फिर आप लोगों को भी दिखाते हैं आज मेरी जगह, मेरी रिश्तेदारी में लेकर चलते हैं। हाँ जी, तो हम निकल चुके हैं घर से, और जो मेरी ननद दीदी हैं वो भी आ चुके हैं। तो यहाँ पे पापा जी बैठे हुए हैं गाड़ी में, और ननद बैठी हुई है मेरी, ये है मेरी ननद दीदी, और ये इनकी बेटी पूर्वा, और मेरा बेटा अभिनव छोटे वाला, वो बैठे हैं, और बड़े वाला बेटा, उसके चाचू, और जो फूफा जी हैं उसके, मैं, मेरे भैया हैं जो, वो दूसरी गाड़ी में बैठे हैं, दीदी की गाड़ी में ही बैठे हैं, तो पापा जी और हम इसी गाड़ी में बैठे हैं इकट्ठे। तो चलिए फिर आज आपको हिमाचली व्लॉग दिखाते हैं, हिमाचली विलेज व्लॉग। पहली बार ही जा रहे हैं हम भी, क्योंकि पहले नहीं गए हैं, काफ़ी दूर है। और तो अगर पहले से पता होता है ना, तो फिर तैयारी वगैरह भी करके रखते हैं। घर से भी हम लेट हो गए हैं जाते जाते, क्योंकि हमें था नहीं कि हम जाएंगे, क्योंकि पापा जी का था कि पापा जी को PGI लेकर जाना है, लेकिन वही आज डॉक्टर नहीं बैठेंगे, तो इसलिए फिर यहाँ का आना हो गया है हमारा। तो ताना पानी है हमारा भी यहाँ पे, तो इसलिए देखते हैं जितना भी वीडियो बनता है आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। वैसे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कहीं भी जाए ना, तो फिर ऐसे मोबाइल से वीडियो बनाना मुझे थोड़ी शर्म सी आती है, लेकिन चलो जितना हो सकेगा उतना कोशिश करूँगी, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। आप लोगों को भी दिखाते हैं आज हिमाचली विलेज व्लॉग, तो बने रहिए हमारे साथ। और वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, तो अपना प्यार और साथ बनाए रखें। वीडियो में आगे बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको।
हाँ जी, तो यहाँ पे आधा पौना घंटा हो चुका है, हमें चाय पानी हमारा हो चुका है। अब जो शगुन वगैरह दिया जाता है वही दिया जा रहा है इन्हें, तो दोनों को बिठा रखा है यहाँ पे। ये भी एक शादी की तरह ही होता है, देखो शगुन वगैरह दिया जाता है, गिफ्ट वगैरह जो भी होता है, तो जैसे शादी होती है वैसे ही होता है। रिटायर जब होते हैं तो नेवी में थे ये भैया, तो रिटायर हुए हैं, और अभी देखो उम्र भी इतनी नहीं है, तो इन्होंने नौकरी अपनी जो पूरी कर ली है, जहाँ पे भी जॉब करते थे ये, गोवा रहते थे पहले, तो ज़्यादा तो मुझे इनके बारे में नहीं पता है, लेकिन जितना पता है उतना बता दिया है आप लोगों को। पर दोनों बहुत ही अच्छे लग रहे थे, तो यहाँ पे हम ज़्यादा किसी को जानते भी नहीं हैं, तो इसलिए हम कमरे में ही बैठे रहे। लेकिन होता ही है, अब देखो कहीं भी हम आते हैं, अगर हमारी पहले से ही जान पहचान होती है तो हम इधर उधर घूम भी लेते हैं, लेकिन अब ज़्यादा पता नहीं है किसी के बारे में भी, जानते नहीं हैं। सिर्फ जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे रिश्तेदारी है, तो वो है ये, इन्हीं के हस्बैंड है वो जो रिटायर हुए हैं। तो ये मेरी मासी जी की बेटी भी है और छोटी बहन भी है, गीतांजलि है इसका नाम, हम दीदू ही बोलते हैं, तो इसी को ही ज़्यादा जानते हैं। बाकी जो रिश्तेदार अपने उधर से ही आए हैं उन्हीं को ही जानते हैं जो यहाँ पे बैठे हैं। तो यहाँ पे सभी से भी आपको मिलवा दिया है मैंने, और जितना भी वीडियो हो सका वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ऐसे बाहर वीडियो बनाते, तो थोड़ा सा ही बनाया है मैंने, तो थोड़ी सी यादें यहाँ पर कैद करके ले जाते हैं, और थोड़ा सा डांस भी दिखा देते हैं, पहाड़ी डांस। ये दोनों जो भैया हैं इन्होंने बहुत ही अच्छा डांस किया है, और काफ़ी टाइम तक डांस किया है इन्होंने, मैंने ज़्यादा नहीं दिखाया है, क्योंकि ना फिर देखने वाले बोर हो जाते हैं, तो ज़्यादा लंबा नहीं दिखाया है, थोड़ा सा ही दिखाया है। और अगर हम ऐसे गाने पर दिखाते तो मज़ा भी आता है, लेकिन फिर वही होता है ना, अगर हम म्यूज़िक का दिखा देते हैं इसमें फिर कॉपीराइट का रहता है, कि कॉपीराइट ना जाए, तो इसलिए बस मैंने ऐसे ही डांस दिखा दिया है आप लोगों को। और यहाँ पर डांस किस गाने पर चल रहा है, हाँ वो नागिन वाला डांस है ना, उस पर चल रहा है ये गाना, मैं तेरी दुश्मन, वो वाला गाना है ना जो, वही वाला चल रहा है यहाँ पे। और बहुत बहुत अच्छा डांस किया इन दोनों जो भैया हैं वो, और एक अंकल भी थे साथ में ही, और अच्छा भी लगता है पहाड़ी डांस, पहाड़ी नाटियाँ जो होती हैं। तो बस यहाँ पे अब खाने की तैयारी हो रही है, तो खाने के लिए जा रहे हैं, थोड़ी भीड़ ज़्यादा थी तो इसलिए हम बाद में जाएंगे, तो सोचा चलो थोड़ी सी वीडियो और बना लेते हैं, और बस फिर खाकर फिर निकल जाएंगे अपने घर के लिए। काफ़ी लंबा सफ़र है, रात भी हो जाएगी, क्योंकि पहले ही घर से हम लेट आए हैं, और ऊपर से फिर रास्ते भी गंदे ही हैं, क्योंकि कई कई जगह पे तो कच्चा रास्ता है, काफ़ी जो लंबा है ना बीच वाला रास्ता वो कच्चा है, और पहली बार आते हैं ना जब हम, तो काफ़ी लंबा लगता है सफ़र। तो यहाँ पे खाने के लिए बैठ चुके हैं, और कितना अच्छा लगता है यहाँ पे छत पे ना, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़, बहुत ही अच्छा व्यू है यहाँ का। और जब हम ऊपर से आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत गंदी जगह है, लेकिन यहाँ पे आकर बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको यहाँ का व्यू, और ऐसे पहाड़ी जगह पे भी घर इतने अच्छे डाले होते हैं सबने, ये बात अच्छी लगती है मुझे कि बहुत ही अच्छे घर, और मिलनसार होते हैं सभी लोग, प्यार से बोलते हैं, बहुत ही इज्जत मान करते हैं दूसरे का। तो यहाँ पे अब हम निकल चुके हैं, और दीदी और जो हैं वो पहले ही निकल चुके हैं, पापा जी भी उन्हीं के साथ निकल चुके हैं, बस हमारी ही फैमिली रही है अब, मेरे दोनों बच्चे और हम दोनों हैं, और मामा जी हैं, और जो गीतांजलि के फूफा थे वो मेरे भी फूफा ही हैं, वो भी हैं, तो उन्हें छोड़ते हुए जाएंगे हम रास्ते में। और यहाँ का थोड़ा सा व्यू और दिखा देते हैं आपको जाते हुए, तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएँ, क्या पता जो यहाँ से रहते हों, जो यहाँ पे सरा में रहते हैं, तो शायद वो भी देखें मेरी वीडियो, वो भी कमेंट करें तो कैसी लगी वीडियो। तो सरा है ये, सरा में पड़ता है ये गांव, कोठी कोठी गांव पड़ता है, मुझे नहीं पता ज़्यादा कि क्या गांव पड़ता है, कौन सा गांव है ये, लेकिन हाँ ये पता है कि सरा है, यहाँ पे सरा से ही होकर जाएंगे हम। और ये देखिए रात होने वाली है, और अभी हमारा रास्ता आधा तय हुआ है, अभी हमें जो फूफा जी हैं वो छोड़ने हैं, मामा जी भी छोड़ने हैं, तो काफ़ी रात हो जाएगी हमें, मुझे लगता है कि 8:30-9 बजे तक पहुंचेंगे हम घर, तो देखते हैं जब भी पहुंचते हैं। लेकिन अच्छा लगा यहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं था हमारा यहाँ पे आने का, और
दाने पानी की बात है, देखो पहुंच ही गए हम यहाँ पे, नई जगह देख ली हमने। वैसे तो घर से कहाँ निकला जाता है, और वैसे भी हमारा तो आजकल ज़्यादातर ना हॉस्पिटल का ही चक्कर लग रहा है, बस पीजीआई से घर यही काम है हमारा। तो चलो सुख शांति से हम भी यहाँ पे आ लिए, मिल लिए लोगों को, अच्छा लगा यहाँ पे आकर। एक सीढ़ी कैसी है ना, तो जी यहाँ पे जो फूफा जी हैं उनके घर आए हैं हम, क्योंकि लेट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ज़बरदस्ती की तो हम आ ही गए हैं। और यहाँ पे चाय वगैरह पी है, बस अब जाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि अभी मामा जी को भी छोड़ना है हमें रास्ते में। ਮਾਮੇ ਦਾ ਦੰਗ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਦਾ ਕਹਿ ਨਾ ਇਹ ਐਸੇ ਸਿਰਾ ਬੰਦ ਦਦੂ ਦਦੂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਜੀ। हाँ जी, तो अब निकल चुके हैं हम घर के लिए, और अभी मामा जी को छोड़ेंगे रास्ते में। और कैसी लगी आपको वीडियो ये भी कमेंट करके बताएं, वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो इस वीडियो का भी यहीं पर एंड कर देते हैं, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, जय माता दी।